एंड डिस्कशन ऑफ टुडेज़ टॉपिक इज़ महात्मा गांधी, जिनको आप सब जानते हैं, फादर ऑफ नेशन भी जिनको बोला जाता है, राष्ट्रपिता बोला जाता है। और उन्होंने उनकी एक बुक थी जिसका नाम था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, और इसी को जाना जाता है माई लाइफ इज़ माई मैसेज, क्योंकि ये जो पूरी स्टोरी है, ये जो बुक है, ये इन्होंने अपनी लाइफ की स्टोरी के बारे में लिखा है, जो बिल्कुल रियलिटी पे बेस है। जो भी इन्होंने फील किया, जो इनका चाइल्डहुड था, एडोलेसेंस था, या फिर ओल्ड एज में जो मोमेंट्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये जो इंडिया की सिचुएशन थी, जो इनकी पर्सनल लाइफ थी, उसी को इन्होंने पूरा एलोबरेट किया है इस बुक में, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। सो बात करते हैं इनकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन की। सो ही वॉज बॉर्न इन 2 अक्टूबर 1869 एंड डाइड ऑन 30 जनवरी 1948। एट द एज ऑफ 78 इनको गन से शूट कर दिया जाता है, इनको नाथूराम गोडसे, जो कि एक ब्राह्मण थे, उन्होंने इनको गन से शूट किया था। तो इस तरह से इनकी एक पेनफुल डेथ हो जाती है। अगर हम इनकी ऑक्यूपेशन की बात करते हैं, सो ही वॉज लॉयर, इन्होंने एडवोकेट की जो पढ़ाई थी वो कंप्लीट की थी। ये पॉलिटिशियन भी थे, एक्टिविस्ट थे, राइटर थे, थिंकर थे, और इनको फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है। आज भी जब बात होती है तो हु इज़ द फादर ऑफ नेशन, इंडिया की बात होती है, तो महात्मा गांधी का नाम ही लिया जाता है। ये जो बुक है हमारी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियन एक्टिविस्ट। और ये ऑटोबायोग्राफी है क्योंकि मैंने अभी जैसे कि पहले भी आपको डिस्कस किया कि इसमें उन्होंने पूरी अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ की डिटेल्स को मेंशन किया है। और इनका कंप्लीट नेम था मोहनदास करमचंद गांधी, और ये जो महात्मा इनके नाम के आगे लगा है, ये इनके कामों को देखने के बाद इनके नाम के साथ महात्मा लगाया गया था हमारे पोइट ने। पब्लिश्ड इन वीकली जर्नल नवजीवन में सबसे पहले पब्लिश हुई थी बिटवीन 1925 एंड 1929। इट कवर्स द स्पैन ऑफ टाइम बिटवीन गांधीज अर्ली चाइल्डहुड थ्रू रफली 1921। चाइल्डहुड से लेके 21 तक की जो इनकी लाइफ थी, उसमें जो इवेंट्स हुए, जिस तरह से ये इन्फ्लुएंस हुए, जिस तरह इन्होंने इंडिया को देखा, उसको इन्होंने मेंशन किया है अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। द ऑटोबायोग्राफी सीक्स टू एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल रूट्स ऑफ गांधी एक्टिविस्ट वोकेशन। एक्टिविस्ट वोकेशन क्यों बोला हुआ है, क्योंकि जो एक्ट चल रहे थे उस टाइम, जो इंडिया में एक्टिविटीज़ चल रही थी, उन सारी चीज़ों को इन्होंने एलैबोरेट किया इन्होंने इसमें। द बुक हैज़ बीन रिकग्नाइज एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल वर्क ऑफ 20th सेंचुरी। स्पिरिचुअल वर्क क्यों बोला गया है, हालांकि इसमें ऐसा नहीं है कि देवी देवताओं की बात हो रही थी, लेकिन इसलिए इसको स्पिरिचुअल वर्क बोला गया 20th सेंचुरी का, क्योंकि ये बुक जो थी वो रियलिटी, और कहते हैं ना कि आप अपने बारे में कुछ लिखो, तो उन्होंने अपनी लाइफ के इवेंट्स को, और जो उस टाइम पे इंडिया की सिचुएशन थी, जो लोगों की हालत थी उसको, और जो अपने पर्सनल व्यूज़ थे, जो उन्होंने सफ़र किया, उन सारी चीज़ों को एक साथ एलैबोरेट किया था इस बुक में। द ओपिनियंस एंड आइडियाज एक्सप्रेस इन हिज ऑटोबायोग्राफी। ओपिनियंस किसको लेकर, ओपिनियंस इंडिया के पीपल को लेकर, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेकर, जो लोग हैं उनका क्या थिंकिंग पावर है उसको लेकर, और जो आइडिया है फ्रीडम का आइडिया उसको लेकर इन्होंने व्यूज़ अपने लिखे इस ऑटोबायोग्राफी में। आइडियाज एक्सप्रेस करने की बात हो रही है, सो यू ऑल आर फैमिलियर दैट वी आर अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन दैट टाइम, जब ये ऑटोबायोग्राफी लिखी गई, तो जब हम ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, तो उस टाइम पे मेन आइडिया क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है, फ्रीडम का हो सकता है। अगर कोई आज़ाद नहीं है, उसके ऊपर डोमिनेंट है दूसरा कंट्री, तो उनका जो मेन बेसिक आइडिया होगा उस कंट्री के लोगों का, पीपल का, वो क्या होगा, टू गेट फ्रीडम। तो इसी आइडिया को एक्सप्रेस किया है उन्होंने अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में। आ सब्जेक्ट टू चेंज एंड दैट इज पर्पज इज नॉट टू रिले अ स्टैटिक पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ बट टू शो हाउ पर्सनल ट्रूथ इवोल्व ओवर टाइम। इसमें सिर्फ उन्होंने अपने पर्सनल ट्रूथ को नहीं लिखा है कि जो उनकी पर्सनल लाइफ थी उसी को लिखा हो, अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ उन्होंने जो लाइफ का ट्रूथ था उसको भी असेंबल किया है इस बुक में। ही ऑल्सो क्लेम दैट द बुक इज मोरल एंड स्पिरिचुअल इन नेचर। वो बोलते हैं कि ये जो बुक है उनकी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये एक मोरल और स्पिरिचुअल है नेचर में।
अब मोरल क्यों है? मोरल मतलब है कि जो आपको कुछ मोरल देती हो, कुछ नॉलेज देती हो, क्योंकि इस बुक में उन चीज़ों को मेंशन किया गया था जिसके थ्रू जो इंडियंस हैं वो अपनी फ्रीडम को गेन कर सकते हैं। इसमें नॉन वायलेंस की बात की गई थी, इसमें स्पिरिचुअलिटी की बात की गई थी, इसमें बताया था उन्होंने कि अगर हमें फ्रीडम चाहिए तो हमें किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, मोस्टली स्ट्रेइंग फ्रॉम पॉलिटिक्स। और इसमें उन्होंने ज़्यादा पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं किया। गांधी एक्सप्रेसेस एविडेंस अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ द टिपिकल ऑटोबायोग्राफी अ वेस्टर्न लिटरेरी इन्वेंशन। और वो जो अपनी ऑटोबायोग्राफी है ये जो इनकी, इसमें इन्होंने बताया कि जो वेस्टर्न लिटरेरी इन्वेंशन है इसकी भी बात की। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है यही हमारा जो डायरेक्टली रिलेशन में आता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, जिन्होंने हमारे ऊपर ओवर रूल किया था, सो उसकी बात भी की गई है इसके अंदर। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लेंथी हो जाए, बट मैं इसके सारे ही जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको कवर करूँगी विद द हेल्प ऑफ नोट्स। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं या फिर सिक्योर रखने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द बिगनिंग ऑफ द ऑटोबायोग्राफी। अब स्टार्टिंग कैसे होती है? ये जो स्टार्ट होती है ट्रेसेस गांधी चाइल्डहुड, स्टार्टिंग में वो अपनी चाइल्डहुड, आफ्टर दैट यंग एज एडल्ट लाइफ को एक्सप्लेन कर रहा है इन्होंने इस बुक में, जो कि कहाँ पे थी, राजकोट एंड पोरबंदर। ही एडमिट्स टू स्टीलिंग एंड ड्रिंकिंग एक्सेसिवली ऑल एक्शंस फ्रॉम विच ही नाउ एस्पायर्स टू रैंडम हिमसेल्फ। ये जो बुक है ये एक्सप्रेस करती है गांधी जी के चाइल्डहुड को, उनकी यंग एज को, कि कौन से मोमेंट्स में वो एक्टिव रहे, उन्होंने क्या क्या काम किए, और उनकी एडल्ट लाइफ को। बेसिकली जो गांधी जी का मेनली फोकस था, वो जो जहाँ से हमें कह सकते हैं डायरेक्शन मिले, वो उनकी यंग लाइफ या एडल्ट लाइफ ही थी। तो उसको इन्होंने इस बुक में कम्प्लीटली एक्सप्लोर किया है। और स्टार्टिंग होती है चाइल्डहुड से, जैसे किसी भी बुक को लिखने का एक पैटर्न होता है, तो उसी तरह गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी को लिखने के पैटर्न के लिए चूज़ किया है अपने चाइल्डहुड को फर्स्टली। इसके बाद अगर हम इनकी मैरिज की बात करें, जैसे कि इसमें बोला कि ये एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ क्यों नाम दिया गया, क्योंकि ये जो लाइफ है उनकी, जो कंप्लीट लाइफ है, उसी को उन्होंने लिखा है अपने इसमें। नेक्स्ट वो बोलते हैं गांधी जी मैरिज व्हेन ही वाज ओनली 13 एंड एक्सप्रेसेस डीप रिग्रेट फॉर इट। रिग्रेट क्यों था उनको, क्योंकि 13 की एज में शादी करना, ये ऑन दैट टाइम ये बहुत कैजुअली बात थी, क्योंकि नॉर्मली इसी एज में शादी हो जाती थी। लेकिन जो गांधी जी थे वो इस बात से ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं थे, वो रिग्रेट करते थे कि उनकी शादी इतनी जल्दी हो गई। कॉलिंग इट प्रीपोस्टरसली अर्ली एंड फुली डिनाउंसिंग इट्स मोरल बेसिस। और बोलते हैं कि जो इतनी जल्दी शादी हो गई ऐसा नहीं होना चाहिए, ये उसके अगेंस्ट में भी थे। अनदर ऑफ गांधीज मोर फॉर्मेटिव एक्सपीरियंस वॉज द अर्ली डेथ ऑफ हिज फादर। इसके बाद एक शादी ही ऐसा इवेंट नहीं था जिसकी वजह से कुछ फील किया, कुछ फेस किया। इनके जो फादर की डेथ हुई थी वो बहुत जल्दी हो गई थी, जिनका नाम था करमचंद गांधी। हिज लेटर एक्टिविस्ट वर्क वॉज हैविली इन्फॉर्म्ड बाय हिज अर्ली लॉसेस एंड मिस्टेक्स। अब जो इनकी फादर की डेथ हो गई उसके बाद जो इनकी लाइफ थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर गांधी डिसाइड्स टू स्टडी एट अ लोकल कॉलेज। लोकल कॉलेज जो कि कहाँ पे था, भवनगर में था, और इसी कॉलेज में उन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। ही रिमाइंड देयर ओनली फॉर अ सेमेस्टर देन ही ट्रेवल टू इंग्लैंड। और जब ये इंग्लैंड चले गए यहाँ पे कुछ महीने ही पढ़ने के बाद, एक सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद, विद इंटेंशन ऑफ डूइंग 3 ईयर्स। और इंग्लैंड में इन्होंने क्या किया था, 3 ईयर्स तक पढ़ाई की ऑफ प्री एग्जीक्यूटिव कोर्स वर्क टू बिकम अ बैरिस्टर। और ये जो बैरिस्टर बन के आए थे ये इंग्लैंड से ही पढ़ाई करके आए थे। सी आज के टाइम पे भी सभी लोगों के में नहीं है फेवर में कि वो फॉरेन जाके स्टडीज़ करें। सो गांधी जी जो थे, इनकी जो लाइफ थी, जो इनकी इकोनॉमिक स्टेटस थी फैमिली की, वो भी बहुत अच्छी थी। लेकिन आप देख सकते हैं इतनी अच्छी फैमिली स्टेटस से होने के बाद भी उन्होंने कभी पर्सनल बेनिफिट्स में वो नहीं घुसे। आप जब भी उनको देखेंगे वो बहुत ज़्यादा सिंपल लुकिंग है, सिंपल और सोबर है। और उन्होंने इंडिया के टूवर्ड्स अपनी लाइफ को, कहते हैं ना, सौंप दिया या डेडिकेट कर दिया, तो वही इन्होंने भी काम किया था। इसीलिए इनको फादर ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है।
Gandhi's mother disapproved of his plan and he tried to placate her by renouncing wine, women and meat while in England. England में उन्होंने इन सारी चीज़ों को देखा, फेस किया, जो वाइन है वो क्या है, वुमेन का या फिर मीट से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें उन्होंने इस बुक में अपनी मेंशन की है. देन ही ट्राइज टू प्रोवाइड लीगल मेडिटेशन बिटवीन एन एक्वेंटेंस एंड हिज ब्रदर, बट द रिलेशनशिप ओनली वर्सेंट. जो इनका रिलेशनशिप था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था इनके ब्रदर्स के साथ. गांधी डिसाइडेड टू मूव टू साउथ अफ्रीका. उसके बाद गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो साउथ अफ्रीका चले जाएंगे. अब आपको लग रहा होगा कि ये जो वीडियो है वो एक हिस्ट्री लेक्चर की तरह चल रही है, बट सी फ्रेंड्स, ये जो कंप्लीट बुक है हमारी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये गांधी जी की लाइफ के बारे में ही है. उन्होंने बोला भी है कि ये जो बुक है, दैट माई लाइफ इज़ माई मैसेज. गांधी जी ने बोला है कि जो मेरी लाइफ है वही एक मैसेज है. तो इसीलिए इनके जितने भी इवेंट्स थे उसको मैंने कवर किया है इस वीडियो में. शॉर्टली हो सकता है कोई 5-10 मिनट में आपको इस टॉपिक को कवर कंप्लीट कर दे, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें मिस करेगा जो कि आपको इसमें मिल जाएगी. तो गांधी डिसाइडेड टू मूव. अब साउथ अफ्रीका चले जाते हैं गांधी जी, जिसके बारे में आप सबको अवेयर भी होगा. और साउथ अफ्रीका में उनके साथ क्या हुआ था ट्रेन के कोच में, इस सब से भी आप लोग फैमिलियर होंगे. जब वो एसी फर्स्ट क्लास में जाते हैं तो वहाँ पे जो वाइट मैन होते हैं उनको किस तरह से धक्का दे के बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी वाइट मैन का शासन था, ओवर रूल था. उसके बाद वो साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए लड़ते हैं, उनके लिए जस्टिस की बात करते हैं और लोगों को वॉइस देते हैं. टू टेक एन ऑफर टू वर्क फॉर अ लो फर्म एंड लेंथली कॉम्प्लिकेटेड कास्ट. आफ्टर ए ईयर्स, कुछ सालों बाद वो दोबारा से इंडिया चले आते हैं अपनी कंट्री में. ही वॉज परसीडिड बाय हिज गुड रेपुटेशन इन साउथ अफ्रीका. अब साउथ अफ्रीका में उनको बहुत अच्छी रेपुटेशन मिल जाती है. एज आई टोल्ड यू कि जो साउथ अफ्रीका में वो जो इनजस्टिस देखते हैं तो वो लोगों को स्पीकेबल बना देते हैं, जो लोग बोलते नहीं थे. अब यहाँ पे बोलने ना होने का मतलब ये नहीं है कि वो लोग बोल नहीं सकते. इट मीन्स कि वो इनजस्टिस के अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज नहीं करते, एंड देयरफॉर हैज़ मच मोर चॉइस अबाउट द टाइप ऑफ वर्क ही कुड टेक ऑन. इसके बाद जो गांधी जी है, वर्कड ऑन सिविल डिसओबीडिएंट केसेस, बिकम अ प्रोमिनेंट एडवोकेट. और ये जो एडवोकेट बनते हैं वहाँ पे भी ये नॉन वायलेंस को फोकस करते हैं. गांधी जी के अगर मैं वेपन्स की बात करूँ, जो ये बहुत ज़्यादा फोर्स करते थे उन चीज़ों पे, तो इनका ट्रूथ और नॉन वायलेंस है, राइट. सत्य और अहिंसा, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इनके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है. इनका मानना था कि जो ह्यूमन बींग्स हैं ये वायलेंस करने के लिए नहीं बने हैं. वायलेंस तो एनिमल्स करते हैं, ह्यूमन बींग्स को हमेशा नॉन वायलेंस ही रहना चाहिए. ही स्टेट्स दैट द डिज़ायर फॉर पावर विच बिगेट्स इग्नोरेंस ग्रीड एंड वायलेंस. ये बिल्कुल भी डिज़ायर नहीं करते थे कि उनको पावर मिले, या फिर उनके अंदर कोई ग्रीड नहीं थी, कोई वायलेंस नहीं था. एग्जिट विद इन एवरी ह्यूमन बींग्स, लेकिन जो बाकी के ह्यूमन बींग्स हैं ये सारी चीज़ें उनके अंदर होती हैं. वो डिज़ायर करते हैं पावर की, वो डिज़ायर करते हैं ग्रीड की, वो डिज़ायर करते हैं वायलेंस की. ही आर्ग्यूज दैट द ओनली वे टू फाइंड सेल्वेशन इज टू रिजेक्ट दीज इम्पल्सिस वर्चुअस एंड स्पिरिचुअल लाइफ. वो बोलते हैं कि कोई एक रास्ता जो कि उन्हें राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करे, वो किससे मिल सकता है उनको, स्पिरिचुअल लाइफ से मिल सकता है. एंड एक्टिवली वर्क टू क्रिएट ए मोर टॉलरेंट इनजस्ट वर्ल्ड. इन द फाइनल फेयरवेल सेक्शन, अब ये जो बुक है इसका जो लास्ट सेक्शन है, या फिर आप कह सकते हैं जो लास्ट पेज है, या फिर जो इसके लास्ट पार्ट है, उसमें क्या मेंशन किया गया है, उसमें लिखा है, गांधी जी राइट्स दैट ही नेवर इमेजिन दीज राइटिंग वुड ट्रांसफोर्ड इनटू एन ऑटोबायोग्राफी. उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये जो चीज़ें लिख रहे हैं वो एक ऑटोबायोग्राफी का फॉर्म ले लेगी. ही होप्स दैट हिज रीडर्स विल लुक पास्ट. और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो यही था कि जो इसके रीडर्स हैं, जो इस बुक को पढ़ें, वो अपने पास्ट को एक बार ज़रूर देखें. और पास्ट क्या था इंडिया का, इंडिया के पास्ट की बात हो रही है, इंडिया के कल्चर की बात हो रही है, इंडिया के लैंग्वेज की बात हो रही है, सिविलाइजेशन की बात हो रही है, नॉन वायलेंस की बात हो रही है. यहाँ पे पास्ट को रिलेट किया है इन सारी चीज़ों से.
The genre ascribed to his work and utilized his experiment to general insight into their own past and conception of truth. और वो सच की बात करते हैं. As I told you earlier कि गांधी जी के मेन टू ही वेपन्स थे, दैट इज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा. दिस आइडिया ऑफ ट्रूथ एज एवर इवॉल्विंग प्रोसेस. एवर इवॉल्विंग प्रोसेस क्यों है? क्योंकि आज भी इस आइडिया को अप्रिशिएट किया जाता है. हम लोग इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, इलाबोरेट करते हैं. ऑफ डेवलपिंग ए माइंड अबाउट द वर्ल्ड. गांधी जी का मानना था कि ट्रूथ स्पिरिचुअलिटी से ही जो माइंड है वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में रहता है और जो ह्यूमन बीइंग है उसका माइंड प्रॉपर तरीके से डेवलप होता है. रादर देन द स्टडी ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्ट इन सेंट्रल ऑफ गांधी जीज ऑटोबायोग्राफी. तो इस तरह से जो गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है वो फिनिश हो जाती है. इसको हमने स्टार्टिंग से देके इसके लास्ट पेज तक को डील किया है, क्या से इसमें कौन कौन सी बातों को इन्वॉल्व किया गया है और किन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्रोवाइड की गई है गांधी जी के द्वारा. तो अगर मैं इसको बिल्कुल शॉर्टली बोलूँ तो स्टार्टिंग की जो स्टार्ट होती है वो इनके चाइल्डहुड से स्टार्ट होती है. आफ्टर दैट इन्होंने अपने एडोलेसेंस इनको दिखाया है, अपने एजुकेशन सिस्टम को दिखाया है. किस तरह से इनकी जो मैरिज है वो 13 ईयर्स में हो जाती है, उसके बाद कुछ चेंजेस आते हैं इनके माइंड में और जो इनके फादर हैं उनकी भी अर्ली डेथ हो जाती है. आफ्टर दैट ही मूव्स टू साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में वो अनटचेबिलिटी को देखते हैं, उनको किस तरह से ट्रेन से बाहर निकाल दिया जाता है. एंड ही बिकेम द वॉइस ऑफ अनस्पिरिचुअल अनस्पीकेबल पीपल. और वहाँ पे इनके वर्क की वजह से इनको बहुत ज़्यादा रेपुटेशन मिल जाती है. एंड देन आफ्टर ही केम इंडिया अगेन, बैरिस्टर की डिग्री लेके आते हैं ये इंग्लैंड से. इनका जो एजुकेशन था, जिन्होंने स्टडीज़ की थी वो इन्होंने इंग्लैंड से की थी. वापस आने के बाद जो इनका पूरा जो फोकस था वो इंडिया के डेवलपमेंट में लग गया, इंडिया के कल्चर में, इंडिया के लोगों को अवेयर करने में. और ये जो लाइफ थी इन्होंने, जो इन्होंने अपना एडवोकेसी का काम भी स्टार्ट किया वो भी इन्होंने फोकस किया अपना नॉन वो भी फोकस किया इन्होंने नॉन वायलेंस की तरफ. और ये बोलते थे कि इंसान के टू वेपन्स होते हैं, दैट इज़ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. और इन्होंने इसी को अप्रीशिएट